दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। सूत्रों के मुताबिक रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल पर भारत की डील पक्की। कोलकाता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा आयोजकों को ममता के 28 करोड़ देने के फैसले पर लगाई रोक। बीजेपी नेता रूपा गांगुली बोली, ममता ने यहां की जनता को दिया धोखा। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस MLA के घर आतंकी हमला, फायरिंग और विस्फोट में दो कार्यकर्ताओं की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बसपा सुप्रीमो मायावती से अब भी उम्मीद, एक कार्यक्रम में बोले, आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी। शिव भक्त राम भक्त के बाद अब नर्मदा भक्त हुए राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में लगवाए पोस्टर्स, राहुल को बताया है नर्मदा भक्त, कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे राहुल। आगामी चुनाव से पहले संत बढ़ाएंगे मोदी सरकार की परेशानी, राम मंदिर निर्माण को लेकर संतों ने की बैठक, सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर पर केंद्र के रुख से नाराज हैं संत। आज छत्तीसगढ़ जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांकेर में आदिवासियों के साथ करेंगे पूजा, दुर्ग में महिला महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। केरल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने सबरीमाला फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई याचिका, कहा ये परंपरा का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट ने दी है महिलाओं को प्रवेश की इजाजत। कठुआ रेप केस में आरोपियों की CBI जांच की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दोबारा जांच की क्या जरूरत। विवेक तिवारी हत्याकांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने CBI जांच की मांग ठुकराई, विपक्ष समेत परिवार वालों ने की थी CBI जांच की मांग। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति ली यंग बंग को भ्रष्टाचार मामले में सजा का ऐलान, कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति ली यंग बंग को सुनाई 15 साल की जेल की सजा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज होगा शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, मेडिसिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो चुकी है घोषणा। पेट्रोल डीजल पर राहुल का नया वार, लिखा आदरणीय श्री मोदी जी, आम जनता पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों से परेशान, तेल उत्पादों को GST के दायरे में लाए। अमेरिका और सहयोगी देशों का रूस पर साइबर हमले का आरोप, कहा रूस ने ओलंपिक के शीर्ष खिलाड़ियों, एंटी डोपिंग एजेंसी और परमाणु कंपनी को निशाना बनाकर किया साइबर हमला। मौसम विभाग ने कल के लिए लक्षद्वीप में जारी किया रेड अलर्ट, आज दोपहर बाद उत्तर भारत के कई इलाकों में हो सकती है बारिश। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मैच में विराट कोहली ने मारा शानदार शतक, इसके साथ ही विराट ने पूरे किए अपने 24 शतक। Under-19 एशिया कप में भारत की लगातार चौथी जीत, बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा भारत, भारत ने बांग्लादेश को 2 रन से दी मात। तनुश्री दत्ता पर मानहानि का केस दर्ज, राज ठाकरे के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, MNS को बताया था गुंडों की पार्टी। सपना चौधरी के गाने तेरी लत लग जाएगी ने तोड़ा रिकॉर्ड, YouTube पर 4 करोड़ से ज्यादा मिले व्यूज, लोगों ने किया गाने को पसंद। और बॉलीवुड की दो फिल्मों लव यात्री और अंधाधुन के साथ रिलीज हुई हॉलीवुड की फिल्म वेनम, देशी और विदेशी के बीच होगा कड़ा मुकाबला। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।